नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो बिहार से आ रही है। बिहार में एक बड़ा हादसा टल गया। एक दिन पहले ही गया में एक मालगाड़ी दो हिस्सों में बट गई थी और अब किशनगंज जिले में एक ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि किशनगंज रेलवे स्टेशन से सटे देघरिया रेलवे गुमटी के पास रविवार को करीब 12:30 बजे राधिकापुर सिलीगुड़ी डीएमयू पैसेंजर ट्रेन के इंजन में ये आग लगी। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग इंजन के आगे के हिस्से में लगी है। आपको बता दें, ये खबर जो है वो बिहार से आ रही है। बिहार में रेल हादसा होते होते बच गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। ट्रेन करीब 12:10 पर किशनगंज रेलवे स्टेशन से खुली। ट्रेन जैसे ही देघरिया रेल गुमटी के पास पहुंची, ट्रेन के इंजन के आगे के हिस्से से धुआं निकलने लगा, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन में यात्री भरे हुए थे। इंजन के ऊपरी हिस्से में धुआं निकलते देख ट्रेन के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिसके बाद रेलवे के अधिकारियों को सूचना दी गई। ट्रेन रुकने के बाद जब यात्री ट्रेन से उतरे तो उन्हें इतनी बड़ी खबर का पता लगा। स्टेशन से रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं एसएसपी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तुरंत अग्निशमन टीम भी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। आपको बता दें कि इससे पहले गया कोटराम रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर कोयला लोडेड मालगाड़ी अचानक दो भाग में बट गई थी। बोगी को जोड़ने वाली कैपलिन टूटने से मालगाड़ी दो हिस्सों में हो गई। मालगाड़ी के दो हिस्सों में बटने के बाद उसका अगला हिस्सा कुछ दूर आगे निकल गया, जबकि पिछला हिस्सा पहाड़पुर स्टेशन पर ही थमा रहा। ये घटना शनिवार की सुबह अपलाइन पर घटित हुई थी। बताया गया कि कोटराम से गया की ओर टीडी नामक मालगाड़ी जा रही थी। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो है बिहार में रेल हादसा हुआ। यह हादसा बिहार के किशनगंज जिले में हुआ, जहां पर अचानक इंजन में आग लग गई। आग लगने के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि किशनगंज रेलवे स्टेशन से सटे तेगरिया रेलवे गुमटी के पास रविवार को करीब 12:30 बजे राधिकापुर सिलीगुड़ी डीएमयू पैसेंजर ट्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई।